आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई, 16, 20th टर्म, 46, व्हाट इज द 12th टर्म? 12th टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 और D फाइंड करेंगे। तो A1 और D फाइंड करने के लिए जनरल टर्म को ही यूज करेंगे, सिंस ये AP की बात हो रही है, सिंस जनरल टर्म इन AP इज AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो फिफ्थ टर्म आपको गिवन है, फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म को हम इस तरह लिखेंगे A5, 20th टर्म आपको गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं A20। तो अब आपको A5 गिवन है, A20 गिवन है, तो N को एक दफा 5 पुट करेंगे, एक दफा 20 पुट करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, A1 और D आ जाएगा। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट N इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। A5 की वैल्यू, A5 की वैल्यू 16, A1 प्लस 4D, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एंड पुट N इज इक्वल टू 20, N को 20 पुट करें, A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A20 की वैल्यू कितनी है, 46, A1 प्लस 19D, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब करना कुछ यूं है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 माइनस 1, 46 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, ये आ गया 20, A1 कैंसिल हो गया, 15D, सॉरी ये 30 आएगा, और D की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है 1 में, A1 की वैल्यू भी आ जाएगी, पुट इन 1, तो 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू 2, तो 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 8, तो A1 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये A1 और D आपके पास आ चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड करनी है, तो अब सॉरी 12th टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखेंगे, और जो जो वैल्यूज हैं आपने वो, A12 का मतलब क्या होता है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A12, ये आ गई 12th टर्म, तो N की जगह पे 12 पुट करना है, पुट N इज इक्वल टू 12, D की जगह पे 2 पुट करना है, और A1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू 8 पुट कर देनी है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, 12 माइनस 1 इंटू डी है आपके पास 2, तो A12 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2, तो दिस वुड बी 30, तो A12 टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ ऐसी टर्म्स को लेकर हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 13th टर्म फाइंड करनी है, 13th टर्म मीन A13 आपने फाइंड करना है, जबकि आपको सीक्वेंस गिवन है x1 2 - x 3 - 2x up to so on, और इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके सामने। अब आपने टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 13 टर्म। अब आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो सीक्वेंस से आप स्ट्रेट अवे A1 और D की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्लेस पे टर्म लिखी हुई है, इट वुड बी A1 विच इज x, और D के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 माइनस x, तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D आ गया। अब आप पुट कर दें, N इज इक्वल टू 13, A1 आपके पास आ गया x, और D आ गया 1 माइनस x। A13 A1 है x प्लस 13 माइनस 1, और D है आपके पास 1 माइनस x,
तो ए 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये आ गया 13x प्लस 12, तो विच इज 13 टर्म, हाँ माइनस 11x, इट वुड बी माइनस 11x प्लस 12, ठीक है। अभी इसको पॉज करेंगे थोड़ा, अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, इसमें आपने बताना है विच टर्म इज, जब कभी भी आपके पास विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स पूछ ले तो अब स्ट्रेट अवे समझ जाया करें कि यहाँ पे सीक्वेंस या सीरीज में विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन होता है, तो आपने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है यहाँ पे, तो एन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है विच टर्म ऑफ एन एपी, ये आपको एक पीरियड 5 टू माइनस 1 अप टू सो ऑन इज माइनस 85, तो एन फाइंड करना है हमने, मीन टू से एन का आपको पता नहीं, ये जो फर्स्ट प्लेस टर्म है इट इज अगेन ए 1, डी आपके पास है 2 माइनस 5 तो डी इज इक्वल टू माइनस 3, और विच टर्म इज ये जो लास्ट प्लेस टर्म आपको दी हुई है ये हमें अभी नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, तो जब आपको टर्म पता ना हो कि ये कौन सी वाली है तो आप इसको ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब ए एन आपको गिवन है माइनस 85, तो ए एन आ गया, डी आ गया, ए वन आ गया, एन हमारे पास रह गया जिसे हमने क्या करना है डिटरमिन करना है, तो जनरल टर्म लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया माइनस 85, ए वन 5 प्लस एन माइनस 1 डी है माइनस 3, तो माइनस 85 ये आ गया माइनस 5 माइनस 3 एन प्लस 3 माइनस 90 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 एन माइनस 93 माइनस 3 एन माइनस 93 अवर माइनस 3 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 31, तो ये 31 टर्म होगी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर है 7, तो विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या होगा कि आपने एन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 2 4 10 अप टू सो ऑन इज 148, तो इसमें भी आपके पास तीन चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेट अवे अवेलेबल है, ए वन माइनस 2, बी फाइंड करेंगे 4 माइनस माइनस 2 तो इट वुड बी 4 प्लस 2, डी इज इक्वल टू 6, और ए एन आपको गिवन है 148, तो अब क्या लिखेंगे, सिंस जनरल टर्म हमारे पास क्या है ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू है 148, ए वन की वैल्यू माइनस 2, n माइनस 1, d की वैल्यू है 6, तो 148 प्लस 2 6 n माइनस 6 150 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, यह आ गया 156 बाय 6 करेंगे तो ये अब n की वैल्यू आ जाएगी, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, तो n इज इक्वल टू 26। अच्छा इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि n की वैल्यू कभी भी आपके पास नेगेटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, जब भी आप n और d n फाइंड करेंगे तो n वुड बी अ नेचुरल नंबर, इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, या ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में इसकी वैल्यू आ सकती है, तो इसका आपने केयरफुल रहना है कि जब आप n फाइंड कर रहे हैं तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है तो इट्स मीन योर आंसर इज राइट, अदरवाइज you should have to sort out the problem error ke which error is bilkul aise hi question number 8 hai, a1 isme given hai aapko 11 hai, an is 68 aur d is what 3,
हाउ मैनी टर्म्स को एन आपने क्या करना है, फाइंड करना है. आप क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. 68 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री. 68 माइनस 11 थ्री एन माइनस थ्री. क्या आ गया 7. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n. 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n. n इज इक्वल टू 20. तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 आ गई. तो ये था कि हाउ मैनी टर्म्स या विच टर्म्स जब भी आपसे पूछे तो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, n डिटरमिन कर लेना है. अब इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज दिस. ए एन माइनस थ्री आपको गिवन है 2n-5 एंड यू वुड हैव टू डिटरमिन ए एन. तो एक जनरल टर्म से दूसरी जनरल टर्म हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे. तो ये देखें, ए एन आपने फाइंड करना है जबकि यहाँ पे आपको गिवन है ए एन माइनस थ्री. एन माइनस थ्री तो मतलब हमें ए एन चाहिए, माइनस थ्री नहीं चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस एन बाय एन प्लस थ्री. माइनस थ्री को यहाँ से कैंसिल करने के लिए हमें प्लस थ्री करना पड़ेगा एन के साथ. तो जहां जहां एन है वहां पे एन प्लस थ्री कर दें आप. एन प्लस थ्री माइनस फाइव, थ्री थ्री से कैंसिल हो गया. तो ए एन इज इक्वल टू 2n+6 माइनस फाइव. तो ए एन इज इक्वल टू 2n+1. ये आपके पास nth टर्म आ गई है. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर है 13. वन आवर ए, वन आवर बी, वन आवर सी आर इन एपी. ये एपी में, तो आपने क्या शो करना है, टू शो बी इज इक्वल टू 2ac आवर ए प्लस सी. अब अगर ये एपी में है तो व्हाट वी डू अवर हेयर, डी फाइंड करेंगे. तो डी आपको पता है कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स, ये कंजेक्टिव टर्म्स हैं और ये कंजेक्टिव टर्म्स हैं. तो इन दो कंजेक्टिव टर्म का डिफरेंस बी क्या होगा, डी के इक्वल होगा. और इन दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस बी 1/c, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस भी डी के इक्वल होगा. क्योंकि ये एपी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे वो भी डी होगा, नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लेंगे वो भी क्या होगा, डी होगा. यानी कोई भी दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस डी के इक्वल होगा. अब इनको कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग वन एंड टू, वन और टू को कंपेयर करें तो ये डी है लेफ्ट साइड पे, इसको हम ड्रॉप कर देंगे. तो राइट साइड्स को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे 1/c-1/b. अब बी वालों को एक साइड पे कर लें, प्लस 1/b हो जाएगा और ये 1/c+1/a हो जाएगा. तो ये एलसीएम लेके ऐड करें तो ये 2/b आ जाएगा. राइट साइड पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा a प्लस सी. अब क्या करें, इनवर्टिडो प्रॉपर्टी लगाएं, रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइडों पे. b/2 इज इक्वल टू ca/a+c. तो b इज इक्वल टू 2ca/a+c. तो ये आंसर आ गया, b इज इक्वल टू 2ca/a+c. क्या हुआ, अच्छा जी. अब क्वेश्चन नंबर है 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ये हमने डिटरमिन करना है. ये भी वही सीक्वेंस आपको दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, डी आ जाएगा. फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फिर डी आ जाएगा. ये दो इक्वेशंस बन जाएगी. अब कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं
उनका मीन ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, मीन ऑफ ऑल डिफरेंसेस इज द कॉमन डिफरेंस। हमने क्या करना है, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देना, राइट हो गया। कॉमन डिफरेंस के लिए हम ये क्या करेंगे कि जितने भी डिफरेंसेस हुआ करेंगे उनका मीन लेंगे, 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए, डी इज इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी। यह आ जाएगा 2d, बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय सी माइनस 1 बाय ए आ गया। एलसीएम लें इसका a माइनस सी, तो d इज व्हाट, a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ca, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको पी एच टर्म दी हुई है, एल के इक्वल है, क्यू एच टर्म एम के इक्वल है और आर टर्म एन के इक्वल है, और ये एक्सप्रेशन को आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले पी एच टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी, क्यू एच टर्म को हम लिखेंगे ए क्यू और आर टर्म को हम लिखेंगे ए आर। इसका प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है, ए पी आपको गिवन है विच इज एल, ए क्यू आपको गिवन है एम, ए आर आपको गिवन है एन। अब देखें ए पी ए क्यू ए आर, हम जो कुछ भी दिया हो, जब भी कोई टर्म आपको दी होगी उसको जनरल टर्म से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सिंस जनरल टर्म इन ए पी इज ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम सबसे पहले ए पी, तो पुट एन इज इक्वल टू पी, पी माइनस वन इंटू डी, तो ए पी की वैल्यू पुट कर दें, एल ए वन प्लस पी डी माइनस डी, इसको वन का नाम दे दें, ए क्यू तो एन की जगह पे क्यू पुट करते हैं, ए क्यू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए क्यू की वैल्यू एम ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी, इसको टू का नाम दे दें, एंड द रेस्ट वन इज आर, पुट एन इज इक्वल टू आर, ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए आर की वैल्यू एन ए वन प्लस आर डी माइनस डी। अब जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड टू शो, एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये हमने शो करना है। तो इसको शो करने के लिए आपके पास देखें वैल्यू L की है, M की है और N की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम L, M, N को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारे लिए काफी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, L Q माइनस L R, M R माइनस M P प्लस N P माइनस N Q। सबसे पहले आप कॉमन ले लें, क्यू कॉमन ले लें, तो जब क्यू कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसमें से और इसमें से क्यू कॉमन ले लें, क्या रहेगा, एल माइनस एन इन टू क्यू प्लस, फिर आर कॉमन ले लें, आर कॉमन लेंगे दोनों में से, आर जब कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा एम प्लस वाला, हम पहले लिख देते हैं माइनस वाला बाद में, एम माइनस एल इन टू आर, फिर पी कॉमन ले लें, या देगा n माइनस एम इन टू पी, फिर हमने पी क्यू आर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एल एम एन इकट्ठे हो गए। अब हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो सबसे पहले l की वैल्यू बताएं कितनी है, l की वैल्यू ए वन प्लस पी डी माइनस डी, n की वैल्यू ए वन प्लस आर डी माइनस डी इन टू क्यू प्लस एम की वैल्यू ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी, एल की वैल्यू ए वन प्लस पी डी माइनस डी,
प्लस एन की वैल्यू ए वन प्लस आर डी माइनस एन की वैल्यू ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू पी आर अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज ए वन से गया डी डी से पी डी माइनस आर डी इंटू क्यू प्लस क्यू डी माइनस टी डी इंटू आर प्लस आर तो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट टू है वो यहां से आप देख सकते हैं कि इससे आगे ना ये पार्ट टू हो रहा है जस्ट उसमें ना ये टर्म्स आगे पीछे यहाँ पे एल माइनस एन की जगह पे एन माइनस एल होगा एल माइनस एम होगा एम माइनस एन होगा बाकी ये सेम टू सेम है जो हमने किया पहला पार्ट इसमें हमने रीअरेंज इस तरीके से किया था कि पार्ट टू इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाए फिट हो जाए तो अब यहाँ पे जस्ट एल एन एम ए जो है ना इनकी वैल्यूज पुट करनी है और ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफिकेशन करनी है कटिंग करके क्यू पी आर को अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर कटिंग करनी है तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।